कि बर्मलीन स्वरूपानंद स्वामी शंकराचार्य तो अब चले गए, उन्होंने कार सेवकों को बुला करके ऊपर पर वो रास्ता से कैसे चढ़ा जाएगा, उनके पास एक ट्रेनिंग देने वाला दल था, ट्रेनिंग दिया गया और जो लोग ऊपर चढ़ गए तो ठीक उसी तरह से कि ऊपर में चढ़े और नीचे से काट रहा हो डाली, इसी तरह से काम चल रहा था। लेकिन जो नौजवान चढ़ गया था वहां से तोड़ रहा था, नीचे में कितना आदमी दब भी गया और उसके बाद जब पुलिस गोली चलाए भाग करके कुल अपने आश्रम में आया, लेकिन मोलम सरकार सिंह घर में घुस के जो दो नौजवान है उसको भी मारा, नदी में स्टीमर पर जो चढ़ा के पुलिस से उसको भी मारा। अब हम कहना चाहते हैं कि राम काज लगता। क्या आप जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था तब आप मौजूद थे वहाँ? अयोध्या में थे। क्या था उस समय, जरा दर्शकों को बताएंगे हमारे, क्या माहौल था, कैसे मस्जिद को ढाया गया? हाँ, कैसे मस्जिद को ढाया गया, मस्जिद को कैसे गिराया गया? मस्जिद को गिराने के लिए एक महीना से कार्यक्रम बन रहा था जी। और अधिकतर साधु नहीं, जो जनता है वह कार सेवक में भाग लिया और प्राण की निछावर किया, कुछ नागा भी सन्यासी भी इस सब भी साथ थे और प्राण बनाया गया कि कैसे तोड़ा जाए, उपाय ही नहीं लग रहा था। संजोग से उस समय कल्याण से मुख्यमंत्री थे और संजोग ऐसा था कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरसिंहा राव था जी। तो नरसिंहा राव डॉक्टर राम विलास बगांती जी पहले पूर्व सांसद थे, अभी हैं बसी जी का आश्रम में, तो वो भी बराबर बातचीत करते थे और प्रधानमंत्री कहते थे कि तुम अस्थिर से मंदिर तोड़ो, हम कुछ होने नहीं देंगे, हम कह देते हैं कि पूजा भवन में बैठे हमसे भी बातचीत नहीं करो। और कल्याण सिंह तो छूट ही दे दिया, इस तरह से प्लान बनाया गया 3 दिन में कि जो कुछ होगा आप तोड़ेंगे। और अंतिम में जो सुबह था उस समय सब लोग एकाएक हुल गए और हुल जाने के बाद पुलिस तो हट गई, क्षमा सब हट गया सरकार का और चढ़ने लगा ऊपर में, डर नहीं रहा कि कैसे कैसे। और कुल सबाला तोड़ने के लिए ऐसा नहीं था, कुल तोड़ने वाला औजार लाया कहाँ से, हाँ रंभा से, और भी खतरनाक चीज को लाया कि कैसे तोड़ा, इस सब सारी प्रक्रिया हुआ, टूटा और टूटा तो कहाँ गया ईंटा, कहाँ गया पत्थर, इतना उमंग था वो सब हुआ। अब हम कहना चाहते हैं महाराज जी, जो मुख्य बात है कि राम भगवान तो स्थापित हो ही गए, हो ही जाएंगे इसमें शक नहीं, लेकिन राम का मंदिर सदा के लिए कैसे बनेगा, इसके लिए बचेगा, इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि हिंदू विश्व हिंदू परिषद से कि आप हर राज्य के हर जिला में ब्लॉक स्तर पर ऐसा संगठन बनाइए जो गांव गांव जाए और गांव में जाकर के प्रत्येक हिंदू को 500 रुपया दे और मेंबरशिप उसको बना दे और 3 महीना में एक कार्यक्रम बनावे जिसमें सबको आमंत्रित किया जाए और उसमें सनातन क्या है, राष्ट्र क्या है और धर्म हिंदू क्या है समझाया जाए, राजनीति की बात नहीं किया जाए, समझाया जाए और 3 महीना का 500 या 1500 रुपया दिया जाए और हिंदुओं में खास करके हरजन बकबर आदिवासी में जो एकदम गरीब है, पद्दलित है, जो ठंडी में भी काम कर रहा है, बाल बच्चा बकरी चरा रहा, शिक्षा नहीं दे रहा, बीमारी से नहीं, और उसे आदमी दर्द सुन के सरकार को इसके लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए। और हिंदू परिषद में बहुत पैसा है और हम कहते हैं ठाकुरबाड़ी में भी बहुत पैसा है, धन्ना सेठ जो कहता है कि हम राम का मंदिर बना देंगे तो असलिया राम गरीबों की सेवा है उसके लिए बनावे, तब यह देश और राम मंदिर बचेगा। इसके लिए हम कहते हैं कि हिंदू विश्व परिषद में जो हेड है भी उनको हटाया जाए, उसके लायक नहीं है और लोगों को भी हटा कर एक एक सवाल हटा। एक सवाल ये है कि 550 तक टेंट में सालों तक टेंट में रहने के बाद रामलला प्राण प्रतिष्ठा उनकी होगी, रामलला की उनकी नई मूर्ति लगाई जाएगी, नया मंदिर बन रहा है, उसको लेकर साधु संतों में क्या उत्साह है, अयोध्या में क्या माहौल? उसके लिए सबसे हमारा कहना है कि 500 वर्ष में तप से नहीं बलिदान से रक्तपात से जो इतना दिन हम लोग किए उस लोगों के श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे मन में साधुओं के मन में इतना उमंग है कि आज उनका बलिदान, आज उनका त्याग, आज उनका तपस्या सफल हुआ है, इसलिए हम उनकी तपस्या की सफलता के लिए राम राम कह के नाच रहे हैं, स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद आ रहा है ऐसा माहौल। और हम कहना चाहते हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अबध अम्बुध कहूँ आई। और आदरणीय मोदी जी जोगी से कहना चाहते हैं कि राम तो बैठ गए, राम जब बैठ गए गद्दी पर तो क्या हुआ, को दरिद्र नहीं को दुख दीना,
तो दरिद्रता को आप जरूर समाप्त कीजिए और अपना वेतन संसद का जो है 40-50 हजार से ज्यादा नहीं लीजिए। जब आप जो असलिया राम है वो कष्ट में है, आप इतना सुख मौज में विधानमंडल और संसद के हो, इस पर लगाम लगाइए और गरीबों को तत्काल रसायन के रूप में।